वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम सीडेसल लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट भी यहाँ पे देखने वाले। तो सीडेसल स्टॉक की बात की जाए तो आज 1565 पे ट्रेडिंग करता हुआ नजर आ चुका है। तकरीबन आज के दिन में 1.61% अप है, 24 पॉइंट अप है सीडेसल लिमिटेड स्टॉक। आज ओपन हुआ था 1569 पे, फिर हाई बनाया था 1585 का और लो आज का था 1561 का। तकरीबन यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन गैप अप से ओपन हुआ था, प्रीवियस क्लोजिंग 1541 की थी और आज 1550 लेवल के ऊपर यहाँ पे गैप अप से ओपन होकर एक अच्छा हाई भी बना के यहाँ पे गिरावट हो चुकी थी। पर रिसेंटली फिर से यहाँ पे आप देख सकते कि एक अच्छा बाउंस बैक दिखा रहा है। तकरीबन 1565 का यहाँ पे सपोर्ट लेके एक अच्छा बाउंस बैक दिखाता हुआ नजर आया है सीडीएसएल लिमिटेड स्टॉक। तो सीडीएसएल स्टॉक के मार्केट कैप की भी बात की जाए तो 16.37,000 करोड़ की मार्केट कैप है, पी रेशियो 57.44 का और डिविडेंड यील्ड की भी बात की जाए तो डिविडेंड यील्ड भी देख सकते हो 0.57% का है। तो पिछले 5 दिनों की भी बात की जाए तो पिछले 5 दिनों में 11% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है और तकरीबन फिर यहाँ पे पिछले 4 दिनों से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन चौपिंग मूवमेंट बन के रह चुके हैं, ज्यादा मूवमेंट नहीं बना रहे, रेंज बाउंड मूवमेंट हो चुके हैं। और 1 मंथ की भी बात की जाए तो 1 मंथ में यहाँ पे आप देख सकते हो तकरीबन गिरावट के बाद एक अच्छी रिकवरी की है सीडीएसएल स्टॉक ने। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं 5% से ज्यादा रिटर्न अभी तक दे चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीडीएसएल स्टॉक का चार्ट एनालिसिस भी देखा जाए तो रिसेंटली कल के दिन में 1600 लेवल का एक रेजिस्टेंस लगा, रेजिस्टेंस लगने के बाद यहाँ पे फिर से गिरावट नजर आ चुकी थी सीडीएसएल स्टॉक में, पर फिर से आज अच्छी रिकवरी दिखाई है, फिर यहाँ पे चौपिंग मूवमेंट बन चुके हैं सीडीएसएल स्टॉक की। तो 1550 लेवल यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव लेवल बन सकते हैं, करंटली नीचे आता है सीडीएसएल स्टॉक तो वहां से बाउंस बैक देखने का चांसेस दिखाई दे सकते हैं। करंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं बुलिश वे में है सीडीएसएल स्टॉक, तो 1600 लेवल को भी ब्रेकआउट मिलता है तो एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट सीडीएसएल स्टॉक के लिए।